अपने दिल का हाल मैं सुनाने आया आज रे, अपने दिल का हाल मैं सुनाने आया आज रे, मैं तुम्हारे नाथ ने रिजावण आया आज रे, मैं तुम्हारे नाथ ने रिजावण आया, अपने प्रीतम से, अपने प्रीतम से ये बतलावण आया आज रे, अपने प्रीतम से ये बतलावण आया आज रे, मैं तो मारे नाथ ने रिजावण आया। परमात्मा एक एक चीज को ध्यान से सुनना, आदिनाथ परमात्मा का सबसे पहले कल्याणक कौन सा हुआ? बहने चेवन कल्याणक बोल रही, भाइयों बराबर है कि दूसरा कुछ है? चेवन कल्याणक। सभा में पूछना चाहूंगा, चेवन कल्याणक किसको बोलते हैं? परमात्मा का माता के, भाई ब्रो, परमात्मा का माता के गर्भ में अवतरण, उसको चेवन बोलते हैं, बराबर ना? जो सही मानता है वो हाथ खड़ा कीजिए। बराबर, लेकिन रॉन्ग आंसर है। परमात्मा की आत्मा दो जगह से माता के गर्भ में आती है। परमात्मा की माता दो जगह से, मिच्छामि दुग्धम, परमात्मा की आत्मा माता के गर्भ में दो जगह से आती है, एक तो नरक से और दूसरा देवलोक से। जब कोई आत्मा अपने पूर्व भव में, जैसे देवलोक में आयुष्य की पूर्णाहुति करके, उसको च्यव बोलता है, च्यवन, बराबर, च्यव होना, वहां से अपने आयुष्य की पूर्णाहुति करके माता के गर्भ में आना, उसको च्यवन बोलते हैं। सिर्फ माता के गर्भ में आना अगर च्यवन होता तो परमात्मा महावीर के कितने च्यवन कल्याणक होते? दो होते। बट ऐसा नहीं है, पूर्व भव में परमात्मा की आत्मा वहां से अपना आयुष्य की पूर्णाहुति करके माता के गर्भ में आते हैं, ऐसे च्यवन कल्याणक को आपको मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे सामने परमात्मा और परमात्मा से रिलेटेड परमात्मा के परिवार के जितने भी सभ्य हैं, हमने जितनी कोशिश की कम समय में उसको आपके सामने प्रस्तुत करें अच्छे से अच्छा। हमारी बहनें, छोटी छोटी बालिकाएं परमात्मा के लिए, चौथ स्वप्न के लिए तैयार हुई है। इस अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु ऋषभदेव भगवान, जब युगलिकों का काल था, छोटे बच्चे, लड़के और लड़की का साथ में जन्म होना, लड़के और लड़की का साथ में बड़े होना, भाई बहन की तरह रहना
और बड़े होकर उनका ही आपस में विवाह हो जाना और अपने माता पिता को एक उबासी या एक छींक आने पर माता पिता का आयुष्य पूर्ण हो जाना, इस तरह से युगलिक अपना कार्यकाल अपना समय बिता रहे थे। तब तीसरे आरे में विश्व एक अलग मुकाम पर चल रहा था। युगलिकों का प्रेम एक अलग ही था, लेकिन तीसरे आरे के अंत में युगलिकों के बीच में जो संप था, जो स्ट्रांगनेस थी, जो प्रेम था, वो कम होने लगा। कल्पवृक्ष हर एक इच्छा को पूरी करते थे, वहां कल्पवृक्षों का प्रभाव भी कम होने लगा। लोगों के बीच में एक दूसरे को समझने की भावना कम होने लगी और ऐसे समय एक दिव्य आकृति आदिनाथ परमात्मा का मरुदेवी माता के गर्भ में अवतरण होता है। माता एक जीवंत कथा है, कोई बनाई हुई कल्पना वाली कथा नहीं है। जीवंत कथा में माता को जैसे ही परमात्मा अपने गर्भ में आते हुए फील हुआ, तब माता को कितने स्वप्न दिखते हैं? 14-14 महास्वप्न, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14-14 महास्वप्नों को परमात्मा की माता देखती है। इस अवसर्पिणी काल की पहली ऐसी घटना है जिसमें माता को 14 स्वप्न दिखते हैं। प्रथम तीर्थंकर मरुदेवी माता के गर्भ में अवतरण होते हैं। एक चीज विचार कीजिए, ऋषभदेव प्रभु नहीं होते तो हमको धर्म और कर्म की पहचान कौन करवाता? ऋषभदेव प्रभु नहीं होते तो राजगादी और धर्म गादी पर बैठने वाला कौन होता? ऋषभदेव प्रभु नहीं होते तो पुरुष और स्त्री की जो 64 कला 72 कलाओं का ज्ञान कौन करवाता? ऋषभदेव प्रभु नहीं होते तो 80-80 कृषि का ज्ञान कौन करवाता? इसलिए ऐसे आदिनाथ परमात्मा की ऋषभ कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं, जिनके गर्भ में आने के बाद नाभि राजा हम परमात्मा के सबसे पहले चेवन के बाद है ना। बहनों आपको एक प्रश्न पूछता हूं, जो स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं, कोई है बहने यहाँ पे जो रोज स्नात्र पूजा पढ़ाते हो? कभी कभी पढ़ाई हो, किसी ने पढ़ाई है? भाइयों आप सिंहासन के नीचे कुछ रखते हो, क्या रखते हो? श्रीफल रखते हो, बराबर। श्रीफल किसके लिए रखते हो? मंगल के लिए। भाइयों किसी को पता है स्नात्र पूजा शुरू करने से पहले? ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि परमात्मा ऋषभदेव परमात्मा के एक एक कल्याणक को हम समझने जा रहे हैं। परमात्मा को सिंहासन पर विराजमान करने से पहले वो जिसको आप त्रिगड़ा बोलते हो ना, वो त्रिगड़ा नहीं है, क्या है वो? वो मेरु पर्वत है, उस पे आप परमात्मा का जन्माभिषेक मनाते हो, स्नात्र महोत्सव मनाते हो। तो जन्म से पहले कौन सी अवस्था है? च्यवन कल्याणक। ये श्रीफल है ना, परमात्मा के च्यवन कल्याणक की उपमा बताता है कि परमात्मा पहले गर्भ में अवतरण होते हैं, आप नीचे सिंहासन पे परमात्मा को विराजमान करते हो और उसके बाद सिंहासन के ऊपर परमात्मा को हम विराजमान करते हैं। आइए, मरुदेवी माता को 14 स्वप्नों का दर्शन होता है और दर्शन के बाद किस तरह से हमारे परिवार की छोटी छोटी बालिकाएं 14 स्वप्न का आपको दर्शन करवाती है। दर्शन कैसे करना है, कैसे करना है? हाथ जोड़ के मस्तक को झुकाना है। ये 14 महास्वप्न है, लाखों करोड़ों रुपए की बोलियां लेकर प्रतिष्ठा के समय परमात्मा की माता पिता बनकर उनको 14 स्वप्नों का दर्शन करवाया जाता है। आज उन्हीं 14 स्वप्नों का एक प्री दर्शन हमको सबको करना है। लीजिए, 14-14 स्वप्नों को माता ने अपने गर्भ में आते हुए देखा। माता सोचती है कि मैं कैसी पुण्यशाली हूं, कितनी भाग्यशाली हूं,
कि साक्षात परमात्मा का मेरे गर्भ में अवतरण हुआ है। देखिए, ऐसी माता को सबसे पहले वृषभ स्वप्न 2 से लगाकर 23 तीर्थंकर की परमात्मा की माताओं को सबसे पहले हाथी दिखता है। आदिनाथ प्रभात परमात्मा की माता को सबसे पहले वृषभ के दर्शन होते हैं और महावीर स्वामी परमात्मा की माता को सिंह के दर्शन होते हैं। बाकी के जितने भी 22 परमात्मा हैं उनको पहले हाथी के दर्शन होते हैं। लीजिए, चले हाथी देखे पहले सुपन में माता जी। ओ मीठी मीठी ताली के साथ, ओ चांबर सो उतरे ऋषभ जी, ओ चांबर सो उतरे ऋषभ जी, दर्शन सुहर की मारी आखड़ी, मारी आखड़ी, दर्शन सुहर की मारी आखड़ी, हो धर्मरो धोरी पुत्र जन्मसी, धर्मरो धोरी पुत्र जन्मसी, धन्य पुत्र ने धन्य मावड़ी, मारी मावड़ी, धन्य पुत्र ने धन्य मावड़ी। ओ भारत में बोधि बीजन वावे, धर्म धुराने संभाल भावे, ऊंचो है खांदो मजबूत बांधो, ऊंचो है खांदो मजबूत बांधो, दूध सम उज्जवल देहड़ी, हाँ देहड़ी, दूध सम उज्जवल देहड़ी, हाँ ऊंचा अंबर सो उतरे ऋषभ जी, ऊंचा अंबर सो उतरे ऋषभ जी, दर्शन सुहर की मारी आखड़ी, हो दर्शन सुहर की मारी आखड़ी। दूसरे स्वप्न के लिए गजवर, चले हाथी वो चले हाथी देखे पहले सुपन में माता जी। गजराज बलवान क्या करूं मैं बखान, गजराज बलवान, होले 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 चले हाथी वो चले हाथी देखे पहले सुपन में माता जी। जिसकी है चार तंत सूल, जिसके हैं चार दान सियल तप भाव, धर्म के चार प्रकार दिखलाए सिखलाए,
सिखलाए सिखलाए माता जी का पुत्र महान। होले 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 चले हाथी देख पहले सुपन में माता जी गजराज बलवान। क्या करूं मैं वखान गजराज बलवान। जिस उम्र में आपको स्टेज पे आकर खड़े होने के लिए पैर कांपते ना, माइक तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ अपने ही परिवार की छोटी छोटी बच्चियाँ छोटी छोटी बहनें आकर आपके सामने परमात्मा के चौदह चौदह सपनों का दर्शन करवाते, एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन करते हैं। प्रदक्षिणा देनी है किसी को भी, कौन सा सपना है, कौन सा सपना है, चौथा, चौथे में नाम क्या है, लक्ष्मी जी, चौथा सपना।
सुगंधी पावन पुष्प की माला देखे माता, खुशबू छाई मन को भाई पावन पुष्प की माला देखे माता। चंद्रमा चित हारी निरखेरे चंद्रमा चित हारी, सपने में मैया आनंदकारी आनंदकारी, निरखेरे चंद्रमा। चंद्रमा चित हारी सपने में मैया आनंदकारी आनंदकारी, निरखेरे चंद्रमा। देखे लाल 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 सूरज सातवें सपने माए, देखे लाल 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 सूरज सातवें सपने माए, माता मरु देवी हुई रे निहाल लाल लाल, देखे लाल 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 सूरज सातवें सपने माए। जन्म लेगा ऐसा बाल जिसके गोरे गोरे गाल, जन्म लेगा ऐसा बाल जिसके गोरे गोरे गाल, और तेजुमय होए बाल बाल बाल, देखो लाल 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 सूरज सातवें सपने माल, देखो लाल 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 सूरज सातवें सपने माल। परर परर फरकाए धर धर जाए फरकावे, आठ में सुपने ध्वज लहराए जय मंगल बरतावे, आठ में सुपने ध्वज लहराए जय मंगल बरतावे। लहर लहर लहराए लहर लहर लहराए, परर परर फरकाए परर परर फरकाए, कलश निरखे हो पूर्ण
कलश निरखे नौवे सुखने में जग माता तन मन उरे हरखे पूर्ण कलश निरखे पूर्ण कलश निरखे हो पूर्ण कलश निरखे अमृत सभर कलश से मंगले दूर करे अवनी का मंगले अमृत सभरे कलश से मंगले दूर करे अवनी का मंगले पानी जल से विश्व हो निर्मल ऐसा पुत्र मिले पूर्ण कलश निरखे पूर्ण कलश निरखे पूर्ण कलश निरखे सरोवर न्यारो रे कमलो सुशोभित मनोहारो दसमो सपनो प्यारो रे कमलो सुशोभित मनोहारो दसमो सपनो प्यारो रे ओ प्रभु मैया